भारतीय जनता पार्टी के आईटी प्रभारी ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कथित तौर पर एक नाइट क्लब में पार्टी करते नजर आ रहे हैं। भाजपा के आईटी प्रभारी अमित मालवीय के अलावा कई अन्य भाजपा नेताओं ने भी राहुल गांधी के इस वीडियो को शेयर किया। बीजेपी सोशल मीडिया इंचार्ज मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि जब मुंबई पर हमला हुआ था तब भी राहुल गांधी नाइट क्लब में थे। बिना तारीख वाले वीडियो में राहुल गांधी एक दोस्त के साथ डिम लाइट वाले नाइट क्लब में दिख रहे हैं जिसके बैकग्राउंड में लोग लाउड म्यूजिक पर डांस कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि जिस तरह अभी हाल ही में पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा, उसके बाद राजस्थान के जोधपुर में जिस तरह दो समुदायों के बीच जमकर बवाल हुआ, ऐसे में राहुल गांधी निश्चिंत तौर पर पार्टी करते नजर आ रहे हैं। पार्टी के फुल मूड में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा भी जा रहा है कि राहुल गांधी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। आने वाले समय के चुनाव को लेकर जहाँ कांग्रेस पार्टी को तैयारियाँ करनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी मस्ती मूड में दिखते नजर आ रहे हैं। इससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ एक लड़की भी है, वो उनकी दोस्त बताई जा रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी जो हैं अब वो सीधे तौर पर राजनीति से अलग हटते हुए मस्ती मूड में दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी को ये फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते या हारे। और कांग्रेस जो है जिस तरह की स्थिति में आज देखने को मिल रही है, इससे पता चल रहा है कि आने वाले समय में पार्टी की हालत और खराब होती नजर आएगी। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।